नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सैन्य सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय एकता सरकार ने देशव्यापी विद्रोह करने का ऐलान किया। NUG के इस निर्णय के बाद म्यांमार में फिर हालात बिगड़ने की आशंका है। PM नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, इजरायली जनता और दुनिया भर के यहूदियों को रोस हसानाह पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। यह 2 दिवसीय उत्सव होता है जो प्रत्येक शरद ऋतु में यहूदी उच्च पवित्र दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। PM नरेंद्र मोदी ने आज से 17 सितंबर तक पूरे देश में मनाए जाने वाले शिक्षक पर्व 2021 की औपचारिक शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है, जहां केंद्र सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 सितंबर का तय किया है। याचिका में जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर ट्रेडोस और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की। इसमें उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य की अहमियत के मुद्दे पर चर्चा की। भारतीय मौसम विभाग ने तेलंगाना, कोंकण और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना के अलग अलग स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 70 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज प्रदान की गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 5.31 करोड़ से अधिक डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। मध्य प्रदेश के खरगांव विस्तन में करीब 100 स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस वाले के बर्बरता के कारण एक आरोपी की जान चली गई थी, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश ने अब तक करीब 70 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगवा दी है। भारत ने COVID-19 बीमारी के खिलाफ देश की आबादी को टीका लगाने की अपनी यात्रा में एक और कीर्तिमान हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का विरोध राजनीतिक तौर पर है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हरियाणा में विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं है। यूपी, बिहार समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात खराब हैं, जहां केंद्रीय टीम बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची है। यूपी के अयोध्या में सभा से पहले हैदराबाद से बात कर सकती है। बिहार की राजनीति में RJD के कई पोस्टर चर्चा में रहे, जहां पार्टी के ताजा पोस्टर में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई है। दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया। इस मौके पर मनीष ने इशारों में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हम नाम बदलने में नहीं, तस्वीर बदलने में विश्वास करते हैं। पंजाब के चंडीगढ़ में एक रिटायर्ड SI ने फर्श पर सिर पटक कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर उसे गिरफ्तार किया। हरियाणा के करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेताओं के 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा प्रशासन से बातचीत की गई, जो बेनतीजा रही, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चुड़नी के अलावा कई नेता शामिल थे। उत्तरांचल में आज आप नेता एक्स कर्नल अजय कोठियाल हाथ में लंच बॉक्स लेकर सचिवालय पहुंचे, जहां कोठियाल ने सरकार पर नौकरी के नाम पर डोनेशन का धंधा खोलने का आरोप लगाया। झारखंड से कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब संकट होता है तो लोग गहना बेचते हैं, मोदी भी यही कर रहे हैं, गहना रूपी देश की संपत्ति बेच रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूल की मान्यता खत्म होने से अधर में लटका दाखिला लेने वाले बच्चों का भविष्य। इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल उठाया और शासन प्रशासन तथा जिला अधिकारी से जवाब मांगा। 5 युवकों से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए का ठगी करने वाला रतलाम में कांग्रेस पार्टी सेवा दल के जिला अध्यक्ष सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त पंजीयक अधिकारी रत्न वेदी ने दियोली सहकारी सभा के प्रधान सुरेंद्र सिंह और जुगल किशोर को बर्खास्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार दियोली सहकारी सभा का बहुचर्चित 13 करोड़ 20 लाख गबन मामले में 2014 से वर्ष 2019 तक की कमेटी को गबन का दोषी पाया गया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने अब खुद को नजरबंद किए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे आज नजरबंद कर दिया गया क्योंकि प्रशासन के अनुसार कश्मीर में स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। यह कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के दावों की पोल खोलती है। बीजेपी की बंगाल इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न वाले तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के आरोपों को खारिज किया और इसे दुर्भावना से प्रेरित बताया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में डेंगू ने आतंक मचाया हुआ है, जहां अब तक 2212 मरीजों की पहचान हुई है। महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हुए बेलगाम निकाय चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की पराजय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चुनाव नतीजे का जश्न मनाने के लिए महाराष्ट्र भाजपा का आलोचना किया। गुजरात सरकार ने भी अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है। इसका लाभ राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और पंचायत कर्मियों के साथ साथ पेंशनरों को भी मिलेगा। राजस्थान सरकार ने डेटा लीक के एक मामले में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 27,23,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ ही दिल के रोगों से भी बचाता है अनार का जूस। अनार के जूस में हमारी दैनिक जरूरत का करीब 30% विटामिन सी और सबसे ज़्यादा विटामिन के होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, प्रोटीन, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID मध्य प्रदेश ने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nidmp.ac.in पर 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बिग बॉस OTT से बाहर निकलते ही भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा। आपको बता दें कि अक्षरा घर के अंदर शो में सिंगर मिलंद गावा की कनेक्शन थी। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।